जय जिनेन्द्र। पिछले एपिसोड में हमने इंद्र की सभा देखी। उसमें एक सवाल था, इंद्र को सेना की क्या आवश्यकता है, वह युद्ध करने थोड़े ही जाता है। जी हाँ, इंद्र युद्ध करने के लिए नहीं जाता, लेकिन वह वैभव दिखाया गया है। जैसे कि हमने देवों के भेद इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में कहा था, यह इंद्र की सेना आदि जो है वह इंद्र का वैभव है, और वह सब वैभव राजा सदृश है। एक राजा कितना बड़ा होता है, वह उसका राज्य, उसकी सेना, इन पर डिपेंड होता है। ठीक इसी तरह इंद्र का वैभव है, इंद्र का इतना बड़ा पुण्य है, और उसका वैभव दिखाने के लिए सेना आदि है। अब दूसरा सवाल यह था कि इंद्र का सिंहासन मध्य में है, तो जो बाकी के देव है वह इंद्र का क्या सिर्फ बैक देखेंगे, पीठ देखेंगे क्या? इसका जवाब यह है, ऐसा नहीं है। इंद्र देव आदि जो है इन सबके वैकृत शरीर होता है, हम औदारिक शरीर के जीव है, अतः हमें ये सब स्थूल सब दिखता है, लेकिन उनके यहाँ वैकृत शरीर होता है, तो उन्हें इन सब चीजों की कोई दिक्कत नहीं आती। अब देवों की संख्या देखते हैं। इंद्र तो एक ही होता है, लेकिन सामाणिक देवों का प्रमाण नगर व्यास के बराबर ही है, अर्थात उस नगर का कितना व्यास है उतने ही सामाणिक देव होते हैं। जैसे हमने प्रथम स्वर्ग में देखा था, सौधर्म स्वर्ग का व्यास 84,000 है, अतः सामाणिक देवों की संख्या भी 84,000 हो गई। अब आगे तनु रक्षकों का प्रमाण सामाणिक देवों के प्रमाण से 4 गुना होता है। तनुरक्षक अर्थात बॉडीगार्ड सदृश होते हैं। तो यह बताया, ये जो तनुरक्षक है वे सामाणिक देवों के प्रमाण से 4 गुना होते हैं, अर्थात 84,000 को 4 से गुणा किया तो 3,36,000 पहले स्वर्ग में इतने तनुरक्षक देव होते हैं। अब आगे ऋषभ, घोड़ा, रथ, हाथी, पदाती, गंधर्व और नर्तकी, ये 7 अनिक सेनाएं हैं जो प्रत्येक 7-7 कक्षाओं से युक्त है। अब सेना का वर्णन किया जा रहा है, तो क्या है, 7 कैटेगरी की सेना है। जैसे हमारे यहाँ वायु सेना, जल सेना, इस तरह अलग अलग कैटेगरी होती है, वैसे ही ऋषभ, घोड़ा, रथ, हाथी, पदाती, गंधर्व और नर्तकी, ये 7 अनेक सेनाएं होती है, और ये सभी सेनाएं उसमें भी क्या है, प्रत्येक की 7-7 कक्षाएं होती है, उसमें भी 7-7 टुकड़ियाँ होती है। प्रथम कक्षा का जो प्रमाण है वह अपने अपने सामाणिक देवों के प्रमाण सदृश ही होता है। जैसे हमने देखा था कि पहले स्वर्ग में कितने हैं, 84,000 सामाणिक देव हैं, तो प्रथम कक्षा में भी उतने ही देव होंगे। आगे के चरम कक्षा पर्यंत दूना दूना होता गया है। अब वही प्रमाण आगे की एंड की कक्षा तक दूना दूना होता गया है। जैसे 84,000 है, वह उसका दूना दूसरी कक्षा में, उसका दूना तीसरी कक्षा में, इस तरह 7 कक्षाओं तक दूना दूना होता गया है। इस तरह एक अनेक सेना की 7 कक्षाएं हुई, इस तरह 7 अनेक सेनाओं की 7-7 कक्षाएं होती है। अब चार्ट में देखते हैं अनेक सेनाओं का प्रमाण प्रथम स्वर्ग में प्रथम कक्षा में कितना होगा, जितने सामाणिक देव है उतने ही, अर्थात 84,000 इतने प्रथम कक्षा में अनेक सेना होती है। अब एक अनेक की संपूर्ण संख्या बताई जा रही है, प्रथम कक्षा की संख्या को 127 से गुना करने पर एक अनेक की संपूर्ण संख्या होती है, क्योंकि दुगुना दुगुना होता गया है ना। तो प्रथम स्वर्ग में एक अनेक की संपूर्ण संख्या कितनी हो गई, 1,06,68,000। इस तरह 7 अनेकों की संख्या है, तो उसको 7 से गुना किया तो 7,46,76,000 इतने क्या हो गए, संपूर्ण अनेकों की संख्या हो गई, अर्थात संपूर्ण जो सेनाओं की संख्या प्रथम स्वर्ग की आ गई। अब आगे बताया जाता है प्रथम स्थान में अभ्यंतर परिषद की संख्या कितनी है, 12,000 है। मध्य परिषद की संख्या 14,000 है और बाह्य परिषद की संख्या 16,000 है। तो यह पहले स्थान में अर्थात पहले स्वर्ग में कितनी बताई है, 12,000, 14,000 और 16,000, चार्ट में हमने देखा है। अब आगे बताते हैं इसके आगे के स्थानों में 2,000 पर्यंत क्रमशः 2,000 हीन है तथा इसके आगे अर्ध प्रमाण है। इसका मतलब आगे के जो स्वर्ग है इसमें ऐसा दिखाना गया है कि नीचे नीचे 2,000 से हीन होता गया है। देखिए आप 2,000 से हीन होता गया है, तो यह शुक्र महाशुक्र तक 2,000 से हीन होता गया है, लेकिन आगे आधा आधा है, मतलब 1,000 से
सिर्फ आधा 2000 से आधा है ना 4000 से आधा ऐसा आधा आधा पारिषदों का प्रमाण आ गया है। फिलहाल एक ही स्वर्ग का देखा है, इसी तरह बाकी स्वर्ग के जो देव है इनकी भी संख्या ऐसी ही जानना है। तो देखिए ईशान स्वर्ग में जितना नगर व्यास है उतना 80,000 हो गया सामान्य देवों का प्रमाण। अब उससे क्या किया है, 4 से गुना किया तो तनुरक्षक देवों का प्रमाण आ गया 3,20,000। अब इसमें बताया प्रथम कक्षा में 80,000 ही आएंगे जैसा कि हमने नियम देखा था। अब उसको 127 से गुना किया तो क्या हो गए, एक अनिक की संपूर्ण संख्या आ गई। अब उसको 7 से गुना किया तो 7 अनिकों की संपूर्ण संख्या आ गई। और उसके बाद इसका तो कहा ही था कि 2000 से ही नहीं और नीचे नीचे जाने पर सिर्फ आधा आधा लगाना है। तो इसी तरह हमने स्वर्ग के देवों की संख्या देखी। अभी हमने ऋषभ घोड़ा रथ हाथी पदाति गंधर्व नर्तकी ये 7 कैटेगरी की सेनाएं देखी थी। अब इन सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह बताया जा रहा है। तो सेना में दक्षिणेंद्र के सेना प्रमुख का नाम और उत्तरेंद्र के सेना प्रमुख का नाम बताया जा रहा है। प्रथम जो है ऋषभ सेना के दक्षिणेंद्र में है दामयष्टि और उत्तरेंद्र की सेना प्रमुख का नाम होता है महादामयष्टि। जो घोड़ा नामक सेना होती है उसके दक्षिणेंद्र के सेना प्रमुख का नाम हरिदामा होता है और उत्तरेंद्र के अमित गति। आगे रथ के मातली और रथ मंथन। आगे हाथी सेना के ऐरावत और पुष्पदंत इन सेना प्रमुखों का नाम होता है। पदाति जो है इनके दक्षिणेंद्र के सेना प्रमुख का नाम है वायु और उत्तरेंद्र के सेना प्रमुख का नाम है सलघु पराक्रम। गंधर्व सेना के जो दक्षिणेंद्र के सेना प्रमुख है उनका नाम है अरिष्ट यशा और उत्तरेंद्र के सेना प्रमुख का नाम है गीतरति। और नर्तकी जो है वह भी सेना है और उनके दक्षिणेंद्र के सेना प्रमुख का नाम नीलांजना और उत्तरेंद्र के सेना प्रमुख का नाम महासुसेना है। अब इसमें आपको समझ आया होगा ऋषभ जो है वह बैल की तरह वहाँ के सब होते हैं सेना आदि, घोड़ा यानी सब घोड़े आदि जो होते अश्व होते हैं, रथ भी होते हैं इनमें, हाथी आदि जो है ऐसी सेना है। अब पदाति यानी अनेक प्रकार के शस्त्रों को हाथ में धारण करने वाले ये पयादि होते हैं, ये पैदल सेना होती है। गंधर्व यानी मधुर स्वर गाने वाले तथा वीणा बांसुरी आदि वाद्य बजाने वाले ये सभी देव होती है सेना वाले। और नर्तकी जो है तो उनमें भी बताया कि इंद्र के सामने नाचने वाली तीर्थंकर नारायण चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का अभिनय करने वाली ये नर्तकी सेनाएं होती है। अब इनमें क्रम से जो 6 पुरुष वेदी है और 7वीं नीलांजना और महासुसेना है वे स्त्री वेदी है। इंद्र के सामने हमने 8 सिंहासन देखे थे जो देवियों के होते हैं, तो वे दक्षिण इंद्र की अपेक्षा से वे नाम बताए गए थे शची पद्मा शिवा श्यामा कालिंदी सुलसा अंजुका और भानु। ये दक्षिणेंद्र की अपेक्षा से 8 पट्ट देवियों के सिंहासन हैं। लेकिन उत्तरेंद्र जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बताया श्रीमती रामा सुसीमा प्रभावती जयसेना सुषेणा वसुमित्रा और वसुंधरा यह 8 नाम होते हैं। तो सभी दक्षिणेंद्र और सभी उत्तरेंद्रों की 8 पट्ट देवांगनाओं के नाम यही होते हैं, सिर्फ पहले स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में ऐसा नहीं। तो जितने भी दक्षिणेंद्र हैं उन देवांगनाओं के यही नाम होंगे और जितने भी उत्तरेंद्र हैं उन देवांगनाओं के नाम यही होंगे। हमने देवों की संख्या देखी है, अब देवांगनाओं की संख्या देखते हैं। प्रथम द्वितीय स्वर्ग में महादेवियों का जो प्रमाण है वह 8 है जो हमने देखा अभी। अब इनमें भी परिवार देवांगनाएं होती है, एक महादेवी की 16,000 देवांगनाएं होती है। तो 8 महादेवियों की कितनी हो गई, 8 से गुना किया तो 1,28,000 हो गए। अब एक महादेवी के मूल शरीर युक्त 16,000 विक्रिया कर सकती है। जो एक महादेवी है वह अपने मूल शरीर के साथ 16,000 प्रकार की विक्रिया कर सकती है। तो 8 महादेवियों के कितने विक्रियक शरीर हो गए, 1,28,000। अब उनमें आगे बताया जा रहा है जो 1,28,000 कुल देवियाँ हो गई उनमें भी 32,000 जो देवियाँ होती है वे वल्लभा होती है। तो वल्लभा किसे कहते हैं यह आप नीचे देखिए, परिवार देवांगनाओं में से जो देवांगनाएं इंद्र को अति प्रिय होती है उन्हें वल्लभा कहते हैं। तो देवियों के प्रासादों की ऊंचाई से वल्लभा के प्रासादों की ऊंचाई
20 योजन अधिक है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इनके प्रासादों का अवस्थान इंद्र के प्रासाद की पूर्व दिशा में होता है। ये इंद्र की स्पेशल देवियां, इसलिए इंद्र के प्रासाद से पूर्व दिशा में इन देवियों के प्रासादों का अवस्थान होता है। इसी तरह आगे जान लीजिए, तीसरे चौथे स्वर्ग में भी महादेवियों का प्रमाण 8-8 ही है, और एक महादेवी की 8000 देवांगनाएं होती है और 8 की 64000 हो गई। एक महादेवी मूल शरीर युक्त 32000 विक्रिया करती है, 8 महादेवियां 256000 विक्रिया करती है और वल्लभाएं उसमें 8000 होती है। और इसी तरह आगे जान लीजिए तो उसमें आप देख लीजिए, एक महादेवी की परिवार देवांगनाएं कम होती गई है लेकिन उनकी जो विक्रियक शरीर है वह बढ़ते गए हैं। आगे के स्वर्गों में देवियों की संख्या कम होती गई है लेकिन विक्रियक वृद्धि बढ़ती गई है, और ऐसा स्वर्ग में होता ही है। ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग के देव देवियाँ हैं उनकी वृद्धियाँ अधिक होती है और नीचे के जो देव आदि है उनकी वृद्धियाँ कम होती है। देवों का जन्म कैसे होता है यह हम अगले एपिसोड में और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि सभी देव जो है वे अपने अपने स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग के देव अपने अपने स्वर्ग में, तीसरे चौथे स्वर्ग के देव अपने अपने स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन देवियों के बारे में थोड़ा अलग। दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं सौधर्म कल्प में और उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ऐशान कल्प में ही उत्पन्न होती है। यही बताया कि जो दक्षिण कल्प है, दक्षिण साइड के जो है सौधर्म, सनत कुमार, ब्रह्म, इनकी सभी देवांगनाएं पहले स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है, और उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं अर्थात ऐशान, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, इन स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं वे ऐशान कल्प में ही उत्पन्न होती है, मतलब दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है। उत्पत्ति के बाद उपरीम कल्पों के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवांगनाओं को अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं। तो यही बताया, उत्पत्ति के बाद वे देव अपनी अपनी देवांगनाओं को ले जाते हैं। सौधर्म स्वर्ग में 6 लाख और ईशान स्वर्ग में 4 लाख विमान शुद्ध है। अब शुद्ध है मतलब इनमें मात्र देवांगनाओं की ही उत्पत्ति होती है, शुद्ध करता है मात्र, तो इन विमानों में सिर्फ देवांगनाओं की ही उत्पत्ति होती है। शेष सौधर्म के 26 लाख और ईशान के 24 लाख विमानों में देव और देवांगना इन दोनों की उत्पत्ति होती है। पहले स्वर्ग के जो 32 लाख विमान है उनमें से 6 लाख विमानों में मात्र देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है और 26 लाख विमानों में देव और देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरे स्वर्ग के जो 28 लाख विमान हैं उनमें से 4 लाख विमानों में मात्र देवियों की उत्पत्ति होती है और बाकी के 24 लाख विमानों में देव देवियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। देव देवियों के प्रविचार की चर्चा देखते हैं। काम सेवन को प्रविचार कहते हैं। प्रविचार यानी काम सेवन अर्थात अब्रह्म भावना। यह प्रविचार अनेक रूप से होता है, संपूर्ण शरीर रूप भी होता है, अथवा उसको टच करने से भी होता है, अथवा उसको मात्र देखने से भी होता है, तो कभी उसकी आवाज़ सुनने पर भी होता है, अथवा उस संबंधी विचार मन में लाने पर भी होता है। इस तरह अनेक प्रकार का प्रविचार होता है। इन सभी की चर्चा हमने श्री तत्वार सूत्र जी में देखी ही होगी। तो यही देखते हैं, काय प्रविचार जो है वह सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक ही होता है, ऊपर के स्वर्ग में नहीं होता। स्पर्श प्रविचार जो है वह सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग तक होता है, उसके ऊपर के स्वर्गों में नहीं होता। रूप प्रविचार जो है वह ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट स्वर्ग तक ही होता है, उसके ऊपर के स्वर्ग में नहीं होता, मतलब नीचे के स्वर्गों में होगा। पहले से लेकर कापिष्ट स्वर्ग तक यह रूप प्रविचार होगा लेकिन उसके ऊपर के स्वर्गों में नहीं होगा। शब्द प्रविचार जो है वह शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार स्वर्ग तक ही होता है, उसके ऊपर के स्वर्गों में नहीं होता। और चित्त प्रविचार जो है वह आनत आदि 4 स्वर्गों तक होता है, उसके ऊपर के स्वर्गों में नहीं होता। इस तरह 16 स्वर्गों में देखा लेकिन 9 ग्रेवेक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में कोई प्रविचार नहीं होता, वहाँ पे अप्रविचार है क्योंकि वहाँ पे कोई कल्पवासी देव है ही नहीं और उसमें कोई देवी आदि भी नहीं होती।